भगत सिंह को फांसी देने की घोषणा हो गई थी मार्च में, उसको बचाने के लिए चंद्रशेखर आजाद इधर उधर भागदौड़ कर रहे थे। उसी समय अपने दोस्त सुखदेव राज के साथ अपने पार्क में बैठे हुए थे। किसी ने सूचना दे दी थी और उस समय आजाद कैसे लड़े थे, क्या साहस दिखाया था आजाद ने, उसके लिए दो लाइनें जो कभी देशनों में मैंने कभी अशोक मोलवा से सुनी थी तुमको बताता हूं कि उस समय इस व्यक्ति ने, क्योंकि अहले बहादुरों के किस्से सुना करो, इनके किस्से सुनने और सुनाने लायक होते हैं, सुनना चाहिए इनको। क्या विस्मयकारी तरह से देखा होगा उन अल्फ्रेड पार्क के पत्तों ने, सहसा आजाद को घेर लिया फिरंगी कंबख्तों ने, पेड़ों की झुरमुट से कदमों की आहट आई, समझ गए शेखर के गद्दारों ने अपनी जात दिखाई, मिटा दूंगा फिरंगियों को आजाद ने कसम खाई और अपने प्राणों से विचारी वो पिस्तौल उठाई। अपने दोस्त से कहा कि दोस्त संभलो, दुश्मन ने किया आघात है, माना कि देश हित मरने के तुम्हारे भी जज्बात है, मगर जाओ तुम अभियान जारी रखना, डरने की क्या बात है, चिन्ह मस्ता काल भैरवी जय भवानी मेरे साथ है। उनका दोस्त उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाह रहा था। तब आजाद ने कहा कि तुम क्या सोचते हो कि लड़ते लड़ते दम तोड़ दूंगा मैं, यही सोचते हो कि इन फिरंगियों को जिंदा छोड़ दूंगा मैं, अरे कायर कारतूसों की क्या विषाद काल चक्र को मोड़ दूंगा मैं, मृत्यु सबकी स्वामी आज उसका ये भ्रम भी तोड़ दूंगा मैं। आजाद के लिए एक संबोधन है जगदम्बा का की हरी, जगदम की हरी बोलते से जगदम्बा का की हरी, वो अल्फ्रेड पार्क में रह रहा था, इंद्र का इरावत इंकलाबी भाषा में चिंगार रहा था, नील गगन में तिनकर भी अस्तातल की ओर बढ़ रहा था, भारत माता अकेला सिंह सैकड़ों भेड़ियों से लड़ रहा था, जज्बा था, हार भी कैसे मान लेता हिंदुस्तानी कौन था। आजाद को कैद करने की मन में थी अभिलाषा, कदम कदम पर हाथ लग रही थी उनको निराशा, धरी की धरी रह गई गोरों की अभिलाषा, आजाद की पिस्तौल बोल रही थी भद्रकाली की भाषा, आजाद की पिस्तौल बोल रही थी भद्रकाली, सुमित्रा नंदन ने इंद्रजीत को संहारा, राजीव नयन की सोगन खाकर मर्यादा पुरुषोत्तम ने दशानन को मारा, शक्ति से बल पाकर जयद्रथ का काल बने अर्जुन भी, जयद्रथ का काल बने अर्जुन भी, कर्मे धनुष उठाकर आजाद ने तीन गोली मार गिराई, जय भवानी बोलकर आजाद ने पिस्तौल चलाया खाली, इधर उधर जेब की एक गोली निकल गई। एक बार पुनः मृत्यु ने भाग्य को धोखा दिया, एक बार पुनः मृत्यु ने भाग्य को धोखा दिया, पिस्तौल की आखिरी गोली ने आजाद को धोखा दिया, आजाद ने वो मिट्टी उठाई, हे भारत माँ क्षमा करना तू मुझको, आजाद होकर भी आजाद नहीं करा पाया माँ मैं तुझको।